बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बीईसी फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। आज हम बहुत मजेदार डिश बना रहे हैं, मटन शनवारी, और पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। बहुत मजेदार होती है और बनाना भी बहुत आसान है। ये हमारे पास देसी घी है, इसमें डाल देते हैं। बकरे की रान का गोश्त है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 3 चम्मच होंगे, और ये 1 चम्मच नमक है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं, और तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनते हैं अच्छे से। चर्बी वाला गोश्त है हमारे पास, इसलिए मैंने घी कम डाला है। दुम्बे का गोश्त है ये, 1.5 किलो ये गोश्त है, तो इसके अंदर मैंने 1 कप देसी घी डाला था, तो मुझे कम लग रहा था वो, तो आधा कप मैंने और डाल दिया, और तकरीबन 10 मिनट इसको हमने अच्छे से भून लिया है। ये 3 पाव टमाटर हैं, इनको हमने काट लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। शनवारी मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, तो बड़ी मजेदार होती है ये और बहुत आसान है, इसमें ज्यादा मसाले भी नहीं जाते, बहुत कम मसालों में बहुत मजेदार सालन ये तैयार होता है। तकरीबन 8-10 सब्ज मिर्चें हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। दो किलो पानी है, ये इसके अंदर डाल देते हैं, इसमें ये अच्छे से डूब जाए। इसको ढक देते हैं, 40 मिनट तक इसको पकाते हैं। देखिए माशाल्लाह 40 मिनट हो गए हमें इसको पकाते हुए, तो ये अच्छे से टेंडर हो चुका है, गला हुआ है ये। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने दही डालनी है, इसको थोड़ी देर भून लेते हैं दही को। दही को हमने थोड़ी देर भून लिया, और अब ये हमारे पास मसाले हैं। नमक थोड़ा कम है, ये 1/2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच काली मिर्च है कुटी हुई, और 1 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 चम्मच सूखा धनिया है, और ये 3-4 सब्ज मिर्ची हैं, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल दें इसके अंदर। शनवारी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।